व्हाइट डिस्चार्ज होने पर कब डॉक्टर को दिखाएं? हर एक महिला को जिंदगी में वजाइनल डिस्चार्ज का अनुभव होता ही है। आमतौर पर वजाइना अपने आप ही खुद को साफ रखने के लिए व्हाइट डिस्चार्ज के जरिए बैक्टीरिया और डेड सेल्स को शरीर से बाहर निकालती है। ये काफ़ी नॉर्मल और हेल्दी प्रोसेस है। एक नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज काफ़ी पतला होता है, वो सफ़ेद रंग का होता है या हल्के पीले रंग का होता है। अगर आपका डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं है तो ये चिंता का कारण भी बन सकता है। ऐसे में कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है और आज हम यही बात करेंगे। एक अब नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज होने पर कब दिखाएं डॉक्टर को। नंबर एक, बहुत ज़्यादा व्हाइट डिस्चार्ज होने पर। हालांकि व्हाइट डिस्चार्ज की मात्रा और समय हर महिला में अलग अलग होती है, पर अगर आपको बहुत ज़्यादा व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। नंबर दो, अलग रंग का डिस्चार्ज होने पर। अगर नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज होने के बजाय आपको लाल, भूरा या किसी और रंग का डिस्चार्ज हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। नंबर तीन, खुजली होने पर। अगर आपको व्हाइट डिस्चार्ज के साथ खुजली, जलन, दर्द जैसी प्रॉब्लम भी हो रही है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। नंबर चार, ज़्यादा थिक डिस्चार्ज होने पर। अगर आपको ज़्यादा थिक या ज़्यादा स्टिकी डिस्चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज के साथ साथ बदबू भी आ रही है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। नंबर पाँच, छाले होने पर। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज के साथ वजाइना के आसपास फोड़े, छाले, दर्द और खुजली हो रही है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ये तो बात हो गई एक अब नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज की, पर अगर आपको एक नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और आप उससे जल्दी राहत पाना चाहते हैं तो आप ये घरेलू उपचार ज़रूर अपनाएं। नंबर एक, अपनी वजाइना को साफ सुथरा रखें। नंबर दो, अच्छी तरह से धुले और सूखे अंडरगारमेंट्स पहनें। नंबर तीन, कुछ समय के लिए प्रोटेक्टिव सेक्स करें या हो सके तो ना करें। नंबर चार, एक हेल्दी और पौष्टिक डाइट लें। पर अगर ये सब कर लेने के बहुत समय बाद भी व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने आप को स्वस्थ रखते हुए जस्ट गो ऑन।